हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट आते ही अब चुनाव लड़ने वाले चाहवानों ने अपनी अपनी विधानसभा में डेरा डालना शुरू कर दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी अपनी विधानसभा में किसी न किसी बहाने से जनता से संपर्क साधने में जुट गए हैं, वैसे ही विधानसभा फतेहपुर से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार आगामी विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले दिन परमार ने उम्मीद से ज्यादा युवा शक्ति के साथ तलाड़ा में बाइक रैली निकाल व एक बड़ी जनसभा कर अपने लिए समर्थन जुटाया, तो वहीं आज फतेहपुर का गढ़ माने जाने वाले रहन कस्बे में रैली निकाल कर छत्र में जनसभा कर अपने लिए समर्थन मांगा। कार्यक्रम में जहां भारी युवा शक्ति देखी गई, तो वहीं महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। गौर रहे कि अभी हाल ही में परमार ने ये साफ साफ कह दिया है कि उनकी तैयारी है, हम तो चुनाव लड़ेंगे, और परमार लगातार जनता के बीच जा भी रहे हैं, वो अपना पक्ष मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जनसभा का संबोधन करते हुए कृपाल परमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजा के तालाब के लोगों को तहसील मिली और अगर रे के लोगों ने तहसील मांगी तो रे के लोगों को भी तहसील मिली। आप लोगों ने कभी सुना कि जहां पर दाने ना हो वहां पर दाना मंडी, और जहां पर दाने न हो वहां पे कुछ नहीं? 25 साल से ये नूरा कुश्ती चल रही थी, रियाली में दाने होते हैं, रियाली में मंडी चाहिए थी, वहां पे मंडी बनाने की कोशिश हुई 20 साल पहले, और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं जी ये तो फतेहपुर में चाहिए। तेरा फतेहपुर पत्थर बेचने से आप पहले किसानों को अनाज तो लगाओ, अनाज बेचने के लिए मंडी होती है, मंडी लाके फतेहपुर में दे दी और अपने लोगों को वहां पे दुकानें बेच दी। जब हमारी सरकार आई तो हमारे लोग, मेरे पास लोग आए और कहने लगे थे कि वहां पे तो किराए के पैसे भी नहीं निकलते। मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं, मैं वहां पर जाकर देखा तो वहां पर कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरे मित्र हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपने वीरेंद्र कंवर जी, वो आए, मैंने उनको इलाका दिखाया, मैंने कहा कि यहां पे मंडी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए मंडी पे खर्च हो चुका है। मैं कहा इसका कुछ और इस्तेमाल कीजिए, अधिकारी साहब थे, मैंने कहा कि आप तो 70,000 टन गेहूं का और धान का बीज आप बाहर से खरीदते हैं, आप यहां से बीज क्यों नहीं खरीदते, उसका प्रोक्योरमेंट सेंटर क्यों नहीं बनाते? आज वो जो 15 साल से मंडी बंद पड़ी थी, आज आप फतेहपुर में जाओ तो वहां भी ट्रक खड़े हैं, गवर्नमेंट जो अनाज प्रोक्योर कर रही है वहां पर उसका रखा जा रहा है, जो किराया कहीं और देते तो बच रहा है, उस बिल्डिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है, और रियाली में एक भव्य मंडी बन के खड़ी हुई है। अब हिमाचल प्रदेश के किसानों को अपने हाजीपुर के लिए में जाके धक्के नहीं खाना पड़ते। कौन रोक रहा था इनको करने के लिए, किसने रोका था, क्या उनको समझ नहीं थी क्या होना चाहिए? और जब तक बाई इलेक्शन नहीं हुआ, मैंने एक दिन भी अपने घर में आराम करके नहीं देखा। आप लोगों ने जो काम लेकर आए, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जिस चीज से ये फतेहपुर की जनता पीड़ित थी, मैंने अपने घर आने वाले आदमी को कभी भी इंतजार नहीं करवाया। वो 7 बजे आए तो 7 बजे मिला, रात को 10 बजे आए तो 10 बजे मिला, दोपहर को 2 बजे आए तो 2 बजे मिला। आप ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे घर में आधे घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा, और इसके दौरान आपका काम भी हुआ होगा, जो टेलीफोन करना था वो भी किया होगा। हमने रिवाज को बदलने की कोशिश की है, हमने जनता को
राजनीति का हथियार नहीं माना।